हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसीवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस का डेली करंट अपने डिस्कस करने वाले हैं 20 अक्टूबर 2020 का। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज असम एंड मिजोरम में जो बॉर्डर इश्यूज़ है नॉर्थ ईस्ट में, उसके बारे में यहाँ पे दिया है। कुछ बॉर्डर इश्यूज़ यहाँ पे दिए हैं, असम एंड मिजोरम में है, असम नागालैंड में, असम मेघालय में है और असम अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे मैप के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी मतलब रिवर यहाँ से होती है और कौन कौन से मतलब हिल्स वगैरह हैं, या फिर उनके जो कैपिटल है उनको नॉर्थ से साउथ या फिर वेस्ट से ईस्ट साइड में। सो ये जो लॉन्ग बाउंड्री मतलब डिस्प्यूट वगैरह है, इसके बारे में आपको पता नहीं होना चाहिए। बट ये कब कब मतलब इसमें मतलब डिमार्केट किया था, कब ये मतलब अलग हुई थी, थोड़ा बहुत आपको इस इशू के बारे में पता होना चाहिए। सो ये कॉजेस क्यों हुए, मतलब जो बॉर्डर डिस्प्यूट नॉर्थ ईस्ट साइड में, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट जो है, मतलब जो स्पॉटलाइट में है अभी इंटर स्टेट बॉन्ड जो बाउंड्री इश्यूज है नॉर्थ ईस्ट में, अभी ये न्यूज़ मतलब इसका कॉज क्या है, मतलब रीज़न क्या है। कुछ हिस्टोरिकल रीज़न है, कुछ एथनिक इश्यूज़ है, इग्नोर किए गए ड्यूरिंग द डिमार्केशन, जिस टाइम पे मतलब डिवीज़न हुआ था, मतलब जो बाउंड्री है जो ड्रॉ मतलब की गई दो स्टेट के बीच में उस टाइम पे 1950s में, जब स्टेट बाउंड्रीज डेलिनेशन प्रोसेस जब हुआ उस टाइम पे इंसर्जेंसी एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती है यहाँ पे, मतलब जो बॉर्डर एरियाज में यहाँ पे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के जो होते हैं वो पर्टिकुलरली इन नागालैंड असम में है यहाँ पे, इसकी वजह से ये मतलब रीजंस बताए गए हैं। सो नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि किस कंट्री से, किस फॉरेन कंट्री से मतलब इसकी बॉर्डर लगती है, कौन से स्टेट मतलब किस स्टेट से कौन सी रिवर बहती है, या फिर मतलब उसकी कैपिटल का मतलब अलग अलग जो प्लेसेस होती है न्यूज़ में रहते हैं, और जो स्पीसीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्पीसीज़ मतलब वाइड वेराइटी है न्यूज़ में रहती है, उसके बारे में पता होना चाहिए। और ये जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं ये तो मेन के लिए काम का है आपका, इसे मेंस में आपको मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने यहाँ पे लॉन्च किया है आयुष्मान सहकार स्कीम। आयुष्मान सहकार स्कीम से रिलेटेड ये आर्टिकल है, और ये फॉर्मुलेट किया गया था बाय द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC द्वारा। फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है कोऑपरेटिव को और ऑन होलिस्टिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन एंड सर्विसेज। सो ये तीन चीज़ें ध्यान में रखना है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन एंड सर्विसेज के लिए। NCDC ने यहाँ पे एक्सटेंड किया जो लोन देने की बात कर रहे थे 10,000 करोड़ टू प्रोस्पेक्टिव इन द कमिंग ऑफ ईयर्स, और ये एपेक्स लेवल स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है NCDC। सो एक स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। सेटअप किया था 1963 में और ये क्रिएट किया था इसका पर्पस यही था, प्लानिंग एंड प्रमोट करना जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेसिंग मार्केटिंग स्टोरेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है एग्रीकल्चर प्रोसेस का, उसके लिए ऑन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। की प्रिंसिपल्स फीचर्स क्या है इसके NCDC के, NCDC आयुष्मान सहकार फंड ये क्रिएट किया गया है फॉर द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बाय द कोऑपरेटिव्स द्वारा, और ये प्रोवाइड करता है वर्किंग कैपिटल एंड मार्जिन मनी को जो मीट होती है ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट उसके लिए। सो ये प्रोवाइड करता है सबवेंशन ऑफ द 1% टू वुमेन मेजोरिटी कोऑपरेटिव्स। उसके बाद में यहाँ पे असिस्ट करता है कोऑपरेटिव हॉस्पिटल जो भी मतलब मेडिकल आयुष एजुकेशन वर्क के लिए, और उसके बाद में यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है जो भी अंडर एनी स्टेट एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत। लोन पीरियड क्या है यहाँ पे, मतलब ड्यूरेशन क्या दिया है, ये 8 साल के लिए इंक्लूडिंग 1 to 2 years जो मोरेटियम दिया जाता है। मोरेटियम मीन्स मतलब एक अवधि दी जाती है, टाइम पीरियड दिया जाता है, उस टाइम के बाद से मतलब ये लोन हमें चुकाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे सिग्निफिकेंस दिए हैं, यहाँ पे इम्प्रूव करता है हेल्थ केयर डिलीवरी इन द रूरल एरियाज़, और यहाँ पे कुछ फोकस करता है ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की जो आई थी उसके साथ में इसको अलाइन किया गया, मतलब जोड़ा गया है। और यहाँ पे हमारा थर्ड टॉपिक है टाइमली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नॉर्म्स जो नोटिफाइड किए गए थे फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉस के बारे में, यहाँ पे एक आर्टिकल है। हाइलाइट्स क्या है ये आपका, मतलब इस हाईलाइट क्या है, मतलब इस रूल्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है जो फ्रेम किया था एग्रीमेंट
फार्मिंग एग्रीमेंट, एक रिटर्न एग्रीमेंट था बिटवीन द फार्मर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, और एक स्पॉन्सर किया जाता है पर्सन परचेसिंग द फार्मर प्रोड्यूसिंग फार्मिंग प्रोड्यूस जो होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द एनी फार्मिंग प्रोड्यूस। और इस एक्ट के अंडर में यहाँ पे वर्बल एग्रीमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, जो भी वर्बल एग्रीमेंट होता है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। पीरियड क्या है फार्मिंग एग्रीमेंट का, मिनिमम वन क्रॉप सीजन और वन प्रोडक्शन साइकिल, मैक्सिमम 5 ईयर्स होता है। और यहाँ पे सर्टन काइंड्स ऑफ प्लानिंग सॉरी फार्मिंग प्रोड्यूस जो होता है सिंगल प्रोडक्शन साइकिल को, मतलब यहाँ पे लॉन्गर मतलब यहाँ पे 5 ईयर्स तक यहाँ पे करते हैं रन करते हैं। और यहाँ पे प्राइसिंग मैकेनिज्म यहाँ पे दिया है, मस्ट बी अ परचेज एट द प्राइस प्रोवाइड फॉर एन इन फार्मिंग एग्रीमेंट, और जो भी प्राइस यहाँ पे लिंक किया जाता है टू द मार्केट प्राइस एंड सच जो भी केसेस है यहाँ पे मिनिमम गारंटीड यहाँ पे प्राइस की है यहाँ पे स्पेसिफाइड की जाती है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस के बारे में यहाँ पे दिया है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं जो भी डिस्प्यूट होता है, कंसिलेशन बोर्ड यहाँ पे होते हैं, और इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है फ्रॉम बोथ द साइड्स से। पावर टू स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे एम्पावर करता है टू फ्रेम द रूल्स ऑन मैटर्स सच एज मोड एंड मैनर्स ऑफ द पेमेंट टू द फार्मर। कॉन्स्टिट्यूशन कंपोजिशन पावर एंड फंक्शन होता है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का, और प्रोसीजर होती है यहाँ पे फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड एनी अदर मैटर के लिए। इन्फोग्राफिक्स में देख सकते हो आप कंसिलेशन प्रोसेस क्या है, रेजोल्यूशन होता है 30 डेज जब भी मतलब ये कंसिलेशन बोर्ड होता है उस दिन से। और यहाँ पे इस केस अगर फेलियर होता है आइदर पार्टी कैन अप्रोच द सब डिविजनल अथॉरिटी को अप्रोच कर सकती है, वो विल बी हैव डिसाइड ये डिसाइड करती है विद इन द 30 डेज के अंदर में ये सब डिविजनल अथॉरिटी। और पार्टीज इन्वॉल्व कौन कौन सी होती है, एग्रीमेंट जिनके बीच में हैव राइट टू मूव हायर अथॉरिटी। उसके बाद में यहाँ पे कंसर्न्स दिए फार्मर, मतलब जब यहाँ पे डर लग रहा है चिंता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पैक्ट विल फेवर बिग कॉर्पोरेट्स को, मतलब ये फेवर करेंगे बड़े बड़े जो ये हो रहे हैं क्योंकि वो अपना मतलब जो भी प्रोडक्ट है लार्ज क्वांटिटी में खरीद सकते हैं लो कॉस्ट में और स्टोर करके रख सकते हैं, काला बाजारी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे फार्म लॉ को मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया इन इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर एंड ऑफिशियल, यहाँ पे बताया गया कि डिस्पेलिंग सच ऑपरेशन। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो भी एलिवेटिंग पॉवर्टी यहाँ पे है अपने इंडिया में, जो फॉरेस्ट एंट्रीज यहाँ पे मतलब ट्रम्प कार्ड है, मतलब वो इसको रिमूव कर सकती है, ऐसा किसने कहा है, ग्लोबल फॉरेस्ट एक्सपर्ट पैनल रिपोर्ट के द्वारा यहाँ पे कहा गया है। क्योंकि अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वन है एंडिंग पॉवर्टी से रिलेटेड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 15 का ऑन प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग द सस्टेनेबल यूज़ ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये एक रिलीवेंट है और लिंक करता है SDGs जो 3 है, गुड हेल्थ एंड SDGs 11 सस्टेनेबल सिटीज़। सो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जो 70 गोल हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए उसमें क्या क्या दिया है। सो ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट है वर्ल्ड वाइड, यहाँ पे मोर देन 1 बिलियन पीपल यहाँ पे रहते लिविंग बिलो द इंटरनेशनल पॉवर्टी, जिनको मतलब $1.90 पर डे मिलता है, और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं फ्रॉम फार्मर्स मतलब फॉरेस्ट से। दिस बेनिफिट्स मतलब यहाँ पे बताए गए कौन कौन से बेनिफिट हैं, फॉरेस्ट रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट इनकम जनरेट होता है, यूज़ कर सकते हैं टिम्बर एंड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट फॉर द प्रोडक्ट, रेंज ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज, सपोर्ट करता है वेलबींग थ्रू द सब्सिस्टेंस और फूड सिक्योरिटी एंड कल्चरल स्पिरिचुअल वैल्यूज एट्सेट्रा। एग्रो फॉरेस्ट्री एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे इको टूरिज्म एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुली इन्होंने रिड्यूस किया है पॉवर्टी को। और जो रिपोर्ट यहाँ पे सजेस्ट की गई है वेरियस फॉरेस्ट सेक्टर पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज है फॉर एलिवेटिंग पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। अब यहाँ पे दिया है राइट बेस्ड जो भी मतलब टेनर है, प्रॉपर्टी राइट है, कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट एट्सेट्रा, और मार्केट एंड सप्लाई चेन यहाँ पे मतलब करने की बात की गई है, सजेस्ट किया है फॉरेस्ट एंट्री मैनेजमेंट एग्रो फॉरेस्ट्री एंड अफॉरेस्टेशन की भी बात की गई है यहाँ पे। उसके बाद में IFSCA ने रिलीज़ किया फ्रेमवर्क फॉर द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स टू टैप इनटू द इनोवेटिव फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज फिनटेक सॉल्यूशन द्वारा। उसके बाद में यहाँ पे IFSCA के बारे में बताया है, IFSCA ये सेटअप किया गया था विद द ऑब्जेक्टिव टू डेवलप अ वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब
ये इसका लोकेशन क्या है, गिफ्ट सिटी के पास में, गांधीनगर गुजरात में, सो ये भी ध्यान में रखना। इसके बाद में ये एंडीवर करता है टू एंकरेज द प्रमोशन ऑफ द फिनटेक इनिशिएटिव इन द फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ द बैंकिंग, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी एंड फंड मैनेजमेंट। सो ये डायरेक्ट करता है, IFSCA ने यहाँ पे डायरेक्शन दिया था इन दिस डायरेक्शन। सो IFSCA यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था फ्रेमवर्क फॉर द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। सो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, ये ग्रांट करता है सर्टन फैसिलिटीज, फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट विद द इनोवेटिव फिनटेक सॉल्यूशन, जो भी कैपिटल मार्केट एंड बैंकिंग इंश्योरेंस से रिलेटेड हैं, जो भी एंटिटीज़ हैं यहाँ पे ऑपरेट करती हैं। जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, ये रेफर करता है लाइव टेस्टिंग को, जो भी न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं, जो कंट्रोल की जाती है रेगुलेटरी एनवायरमेंट में, फॉर विच द रेगुलेटर में परमिट्स सर्टन रेगुलेटरी रिलैक्सेशन फॉर द लिमिटेड पर्पज ऑफ द टेस्टिंग। फिनटेक एक अम्ब्रेला है, टर्म है, डिनोट करता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हैविंग बियरिंग ऑन द फाइनेंशियल सर्विसेज, और यहाँ पे फिनटेक प्रोवाइड करता है वर्केबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम फेस बाय द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। ये लो पेनिट्रेशन होता है, स्कार्स क्रेडिट हिस्ट्री होती है इसकी, कैश ड्रिवन ट्रांजेक्शन इकोनॉमी होती है। सो इंडियन फिनटेक इंडस्ट्री का यहाँ पे चार्ट दिया है, पेमेंट में होता है पेमेंट बैंक, मोबाइल वैलेट, पेमेंट गेटवे, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें ATM एंड एमपोस होती है, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस जो होती है, एंड अदर ऑनलाइन फाइनेंशियल प्रोडक्ट में यहाँ पे लेंडिंग होते हैं, इंश्योरेंस होता है, ENPS होता है, एंड माइक्रो फाइनेंस एंड ब्रोकिंग होती है। बेनिफिट्स यहाँ पे कुछ बताया है, एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, रिस्क एंड कॉस्ट प्रोडक्शन होता है, ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये भी एक इसका बेनिफिट्स है। एग्जाम्पल बताया यहाँ पे पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म, क्राउड फंडिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिग डाटा एंड ई एग्रीगेटर। उसके बाद में यहाँ पे कुछ न्यूज़ है, श्योरिटी बॉन्ड, एक थ्री पार्टी एग्रीमेंट है, लीगली बाइंडिंग टुगेदर होता है ये। यहाँ पे प्रिंसिपल जो होता है परचेज द बॉन्ड, बॉन्ड को परचेस करता है, जो मतलब गारंटी देता है द क्वालिटी ऑफ द वर्क टू बी डन इन द फ्यूचर। जो ऑब्लिगी है ये रिक्वायर होता है द प्रिंसिपल टू परचेज द बॉन्ड टू अवॉइड द पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस। और जो श्योरिटी होता है ये कंपनी जो होती है ये इशू करती है बॉन्ड एंड फाइनेंशियल गारंटी होती है यहाँ पे, जो भी प्रिंसिपल कैपेसिटी है टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क करने के लिए। जो श्योरिटी बॉन्ड होता है वे प्रोवाइड करता है गारंटी दैट द कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू द प्री डिफाइंड एंड म्यूचुअल टर्म्स के हिसाब से। उसके बाद में यहाँ पे फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर SEIC, ये किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग एंड अमेजॉन वेब सर्विसेज AWS ने लॉन्च किया है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर। CIC एक पार्ट है AWS CIC ग्लोबल प्रोग्राम का। ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट एजेंसी, नॉन प्रॉफिट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनको मतलब टुगेदर लाता है ऑन प्रोसेसिंग फेसिंग चैलेंजेस, अप्लाई द डिज़ाइन थिंकिंग एट्सेट्रा। और ये वर्क करता है टू आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज प्रोजेक्ट जो भी है, एज वेल एज द कोलेबरेट करता है विथ लोकल लीडर्स टू सॉल्व द क्रिटिकल सोसाइटल चैलेंजेस जो भी है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड, थ्रू द डिजिटल इनोवेशन लाकर। उसके बाद में यहाँ पे ग्रैंड चैलेंज इंडिया GCI प्लेटफॉर्म है, ये GCI प्लेटफॉर्म GCI एक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल BIRAC और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड वेलकम ट्रस्ट एंड अदर फंड। सो ये किन किन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हुआ है आपको पता होना चाहिए। सो उसके बाद में ये लॉन्च किया गया था 2013 में। इसका एम है फोस्टरिंग द इंडियन इनोवेशन एंड रिसर्च टू डेवलप द अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू इम्प्रूव द हेल्थ इन इंडिया अक्रॉस द ग्लोब। GCI एक इंडियन आर्म है ग्लोबल ग्रैंड चैलेंजेस प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया था बाय द बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है उसके द्वारा। और ओसिरिक्स के बारे में यहाँ पे दिया है, ओसिरिक्स एक नासा का फर्स्ट एस्ट्रॉइड सैंपल रिटर्न मिशन है, लॉन्च किया था 2016 में। इसका एम है टू कलेक्ट एंड कैरी द प्रिस्टाइन अनअल्टर्ड सैंपल, जो भी सैंपल है एस्ट्रॉइड से मतलब हमें धरती पर लाना है फॉर द साइंटिफिक स्टडी के लिए। अटेम्प किया था यहाँ पे टू टच द सर्फेस ऑफ द एस्ट्रॉइड वेन्यू और डिटरमाइन हुए थे यहाँ पे इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद में यहाँ पे ओसिरिक्स ये सून मतलब अपना अटेम्प टच करेगा टू द सर्फेस ऑफ द एस्ट्रॉइड, मतलब एस्ट्रॉइड पर मतलब ये टच करेगा, वहाँ पे जाएगा और कलेक्ट करेगा लूज रबल। मलाबार एक्सप्रेस के बारे में है यहाँ पे, सॉरी मलाबार जो 2020 का नेवल एक्सरसाइज है, अभी इंडिया US एंड जापान के बीच में हो रहा था, अभी ऑस्ट्रेलिया ने भी यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इंडिया ने इनवाइट किया ऑस्ट्रेलिया को टू टेक पार्ट इन द मलाबार नेवल एक्सरसाइज जो अभी नेक्स्ट मंथ में होने वाली है। गोलकोंडा फोर्ट के बारे में यहाँ पे दिया है, ये लोकेट है
वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हैदराबाद सिटी नियर हुसैन सागर लेक। ओरिजिनली इसे मंगल मंगल बोलते थे, ओरिजिनली इसको मंगल नाम से भी जानते हैं। ये बिल्ट किया गया था यहाँ पे ऑन हिल टॉप इन द ईयर 1143 में 1143 एंड यहाँ पे इसे मड फोर्ट के अंडर में ये था ड्यूरिंग द रीन ऑफ राजा ऑफ वरंगल, राजा ऑफ वरंगल के ड्यूरेशन पे था ये। लेटर इसे फोर्टिफाइड किया गया 14th एंड 17th सेंचुरी में बाय द बहमनी सुल्तान एंड देन द रूलिंग ऑफ द कुतुब शाही डायनेस्टी रिस्पेक्टिवली। उसके बाद में यहाँ पे एक असाफोटिडा हिंग के बारे में यहाँ पे दिया है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, असाफोटिडा CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया असाफोटिडा सिविलाइजेशन कल्टिवेशन इन इंडिया, जो हिमालय रीजन में यहाँ पे करेंगे लाहौल हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पे प्रेजेंटली जो हिंग है अपने इंडिया में नहीं होता था, कल्टिवेटेड नहीं होता था, इसे इंडिया में इसे इंपोर्ट करते थे फ्रॉम अफगानिस्तान ईरान एंड उज्बेकिस्तान। प्लांट प्रिफर करता है कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन, ये भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे अभी कॉटन के बारे में पूछा था UPSC प्रीलिम्स 2020 में। ये ग्रोथ होता है लैक ऑफ प्लांटिंग मटेरियल्स, यहाँ पे फेरुला ऐसा फिटिडा प्लांट का होता है ये इन इंडिया। और यहाँ पे मेजर बॉटल नेक है इन कल्टिवेशन ऑफ दिस क्रॉप। बेनिफिट्स क्या है असाफोटिडा, रिलीफ देता है फॉर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड अस्थमा से रिलेटेड ये इसका फ़ायदा है। सो आज हमने 20th अक्टूबर का करंट अफेयर डिस्कशन किया है यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।